आज का जो रेवड़ी है ये कमाल का रेवड़ी है, ये अमृत है आपके बालों के लिए। अगर आपके बालों में प्री मैच्योर ग्रे है हो गए हैं तो उसको रिवर्स करेगा। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो उसको क्योर करेगा। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो उस हेयर फॉल को रोकेगा। अगर आपके बाल बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहे तो आपके बाल तेजी से ग्रो हो जाएंगे। तो जो भी समस्या है आपके बालों में वो बिल्कुल खत्म होगा। इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक जरूर देखना। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं ब्यूटी हेल्थ स्टाइल और मैं हूं साधना। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने लिए आई हूं कि कैसे आप घर पे आमला ऑयल बना सकते हैं। आगे आप देखेंगे इस वीडियो में इसको कैसे प्रिपेयर करना है और इसकी एप्लीकेशन और आमला कितना अच्छा होता है हमारे बालों पे, है ना। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपने कहावत सुनी होगी, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, आमला डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आमला यानी इंडियन गूसबेरी, ये एक सुपर फूड है। ना सिर्फ हमारे बालों के लिए अच्छा है, हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये आमला यानी इंडियन गूसबेरी। अगर आप रोज एक आमला कंज्यूम करेंगे, खाली पेट इसका जूस पियेंगे, तो आपको कोई भी रेमेडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना पावरफुल है। आमला में सबसे ज्यादा विटामिन सी मौजूद होता है। ये विटामिन सी ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है एंड कोलाजन में हेल्प करता है। आमला में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इट रिवर्सेस साइन ऑफ प्री मैच्योर एजिंग एंड ये आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है एंड इट लाइटेंस पिगमेंटेशन। तो आपका स्किन बहुत ही रेडिएंट हो जाता है, आपका स्किन क्लियर हो जाता है, आपका स्किन ग्लोइंग स्किन हो जाता है। इतना अच्छा होता है हमारे स्किन के। आमला स्टिम्युलेट्स हेयर ग्रोथ, आपके बाल इतने तेजी से ग्रो हो जाएंगे। अगर आपके बालों में प्री मैच्योर ग्रे है हो गए हैं तो उसको रिवर्स करता है एंड अगर आप इस ऑयल को लगाएंगे रेगुलरली तो आप देखेंगे जो आपके सफेद बाल समय से पहले हो गए हैं तो आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे। इतना पावरफुल रेमेडी है, आपके हेयर फॉल को रोकेगा एंड आपके बाल सॉफ्ट सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। और आप खुद देखेंगे इस रेमेडी को लगाने से आपको क्या कमाल का रिजल्ट मिलेंगे। आपको कोई भी रेमेडी लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इस आमला ऑयल को लगाइए, आमला को कंज्यूम कीजिए और आप खुद देखेंगे मैजिक, बिल्कुल मैजिक देखेंगे। ये इतना अच्छा होता है हमारे पूरे बॉडी के लिए। अगर आप इस आमला को खाएंगे ना रोज, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसको भी ट्रीट करता है एंड कोई भी प्रॉब्लम्स है आपके बॉडी में, ये बहुत ही इट्स लाइक अ मेडिसिन फॉर योर होल बॉडी। आपके बालों के लिए कितना अच्छा होता है, इसमें भरपूर मात्रा में जो विटामिन सी होता है ना, इतना अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए और ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए। तो चलो देखते हैं इस आमला ऑयल को कैसे प्रिपेयर करना है और इसकी एप्लीकेशन। सबसे पहले हमें फ्रेश आमला चाहिए यानी गूसबेरी, हमें 4 या 5 आमला चाहिए। आमला को अच्छे से वॉश कर लेना है और छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। आमले के अंदर सीड होता है तो हमें सीड नहीं चाहिए, हम उसको निकालेंगे। काटने के बाद आप इस आमला पीसेस को ब्लेंडर में लीजिए, अच्छे से ब्लेंड कीजिए और अच्छा एक पेस्ट बना लीजिए। आपको लेना है एक पैन, स्लो फ्लेम पर हीट करना है। हल्का हीट होने के बाद अब हम इसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे और इसको हीट होने देंगे 1 या 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में। अब
अब हम इसमें आंवला पेस्ट डालेंगे और कंटिन्यूसली आपको स्टर करना है। ये पूरा ऑयल प्रिपरेशन स्लो फ्लेम में होगा, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है नहीं तो ये जल जाएगा। हम इसे पकाएंगे 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में। पंद्रह मिनट के बाद जब इसकी खुशबू आएगी ना, आपको पता चलेगा ये बिल्कुल हो गया है एंड इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। अब हम गैस को बंद करेंगे और ये हमारा ऑयल प्रिपरेशन रेडी है। अब हम इसको छान लेंगे। रह गया ना, आप उसको मत फेंकिए, आप उसको खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए। तो ये हमारा आंवला ऑयल रेडी है जो हमने बनाया है घर पे, और वो भी नेचुरल ऑर्गेनिक, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। तो अब हम इसको स्टोर कर सकते हैं ग्लास कंटेनर में, जो भी है आपके पास आप स्टोर कर सकते हैं। और ये आप स्टोर कर सकते हैं कम से कम 2 महीने के लिए, और 2 महीने के बाद आपको फिर से बनाना है। ये जो ऑयल है ना, ये अमृत है आपके बालों के लिए। जब आप इस ऑयल को लगाएंगे ना, आप खुद देखने वाले हैं रिजल्ट्स आपके बालों में, क्या बढ़िया रिजल्ट्स। तो चलो देखते हैं इसकी एप्लीकेशन कैसे करना है। सबसे पहले बालों को सुलझा लेना है। आमला ऑयल की इतनी अच्छी खुशबू है। ये आमला ऑयल को अच्छी तरह स्कैल्प में लगाना है, पूरे बालों में अच्छी तरह लगाना है और मसाज करना है। जब आप मसाज करते हैं ना आमले ऑयल के साथ, तो इट बूस्ट ब्लड सर्कुलेशन एंड आपके बालों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो वो भी नहीं होगा, इट क्योर्स डैंड्रफ। ये बहुत ही पावरफुल ऑयल है जो आपके स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको नहीं होने देता है एंड आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। अगर रोज़ आप एक आंवला को कंज्यूम करेंगे ना, इसका जूस पियेंगे या आंवला को खाएंगे ना, तो आप खुद देखेंगे आपके बालों में जो समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं ना, आपके बालों में कोई भी सफ़ेद बाल नहीं रहेगा, आपके बाल काले हो जाएंगे एंड आपके बाल इतने हेल्दी हो जाएंगे और आपका स्किन ग्लोइंग क्लियर स्किन हो जाएगा एंड इज़ गुड फॉर इम्यूनिटी एंड डाइजेशन। तो आप सोच सकते हैं एक ही आंवला हमारे पूरे बॉडी के लिए कितना अच्छा है एंड ये बहुत ही एक मेडिसिन है आपके पूरे बॉडी के लिए। तो इसको ज़रूर खाइए और इस ऑयल को ज़रूर लगाइए। हफ्ते में 2 या 3 बार अगर आप लगाएंगे ना, आप खुद देखने वाले हैं क्या बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके बालों में, तो आपके कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर लगाना। तो मैंने बालों को ट्राई किया है और इसको रखूंगी ओवरनाइट के लिए। और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ऑयल जो बचा था मैंने हाथों में भी लगाया है और मेरे हाथ कितने सॉफ्ट हो गए हैं। और मैंने फेस पे भी लगाया है, तो मैंने फेस को मसाज किया था इस ऑयल के साथ। और ये ऑयल इतना कमाल का ऑयल है। इस ऑयल को आप रख सकते हैं कम से कम 2 घंटे के लिए, या आप रख सकते हैं ओवरनाइट, फिर आप माइल्ड शैम्पू के साथ उसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन इस ऑयल को आप ज़रूर बनाइए और आप ज़रूर लगाइए, और जब आप लगाएंगे ना आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइस आपने देखा इसको कैसे प्रिपेयर करना है, ये बहुत ही आसान तरीका मैंने दिखाया है। तो इस ऑयल को आपको ज़रूर लगाना है हफ्ते में 2 या 3 बार। अगर आप इस आंवला ऑयल को लगाएंगे ना, तो आप खुद देखेंगे मैजिक इन योर हेयर। ये इतना पावरफुल रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है।
तो इसको जरूर यूज कीजिए, इसको जरूर बनाइए और आप खुद देखेंगे क्या कमाल का रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आपके समय से पहले अगर आपके बालों में बहुत सारा ग्रे हेयर हो गए हैं तो आपके ग्रे हेयर रिवर्स हो जाएंगे एंड आपके बाल काले हो जाएंगे। तो आपको कंटिन्यूसली करना है और पेशेंस रखना है और फेथ रखना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट जरूर मिलेंगे और आप खुद देखेंगे आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे एंड आपके बाल इतने घने, लंबे और खूबसूरत हो जाएंगे। इस ऑयल कोई भी लगा सकता है, ये बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, घर में बना है, तो बच्चे भी लगा सकते हैं, बूढ़े भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है। और इस ऑयल को मैं जरूर लगाती हूँ, हफ्ते में 2 बार जरूर लगाती हूँ एंड मेरे बाल इतने हेल्दी रहते हैं। और आंवला का जूस मैं जरूर पीती हूँ। आपको आंवला जरूर कंज्यूम करना है वंस अ डे, या आप आंवला का जूस बना सकते हैं घर पे, या अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप आंवला का जूस बाहर से लेके आ सकते हैं। पतंजलि का आंवला जूस बहुत ही अच्छा होता है तो आप वो पी सकते हैं, लेकिन आपको एम्प्टी स्टमक में रोज सुबह आंवला का जूस जरूर पीना है और इस ऑयल को आपको लगाना है और आप देखेंगे कमाल का रिजल्ट। तो आपको कंटिन्यूसली करना है, जब आप कंटिन्यूसली करेंगे फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे, है ना। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आए लाइक जरूर करना एंड लाइक के बिना बिल्कुल नहीं जाना एंड इस वीडियो को जरूर शेयर करना आपके सारे फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक गुड केयर सर। बाय गाइज, लव यू ऑल।